अरे भाई कहाँ से आओगे जा रहे सुबह सुबह? वो ना आज कपड़ों की सेल लगी हुई है तो मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। अच्छा तो मेरे भी ले आना यार एक आधा सूट। हाँ तुम्हारे लिए भी 2-3 लेके आऊंगी, एक आधा क्यों। अच्छा जी। हाँ वैसे आज तुम्हें भी तो छुट्टी है। हाँ मेरी भी छुट्टी है आज। तो मैं एक काम करती हूँ, छोटी को बोल जाती हूँ तुम्हें दोपहर में खाना और चाय वगैरह तुम्हारा मुकम्मल ख्याल रखेगी। क्या वो खाना वगैरह बना लेती है? हाँ हाँ बना लेती है। क्या वाकई बना लेती है? हाँ हाँ बहुत अच्छी कुकिंग करती है। सुनो माँ। जी जीजू। क्या वाकई बना लेती है सब कुछ? जी जीजू मुझे सब खाना बहुत अच्छा बनाता है। खिलाया था नहीं आपने? आज आपको खिलाया। दादी अभी घर जाना या जाना दोस्त के साथ? दोस्त जो है बाहर चले जाए। खाना बना के जाऊंगी दीदी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो इतनी परेशान ना हो, मेरी बहन बड़ा प्यारा खाना बनाती है, जितनी वो प्यारी खुद है उतना ही प्यारा खाना भी बनाती है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है तुम भी महम अपना ख्याल रखना और जीजू का भी। अल्लाह हाफिज। वैसे तुम मेकअप ना भी करो तो प्यारी लगती हो। जी दीदी मुझे पता है। वैसे इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही बड़े खूबसूरत हो। बस मेरी दोस्त है ना था इसलिए। वो जीजू आपका खाना मैं बनाती हूँ। नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, खाना खा लेंगे बाद में। अच्छा माम ये बताओ कि जो फ्रेंड आ रहे हो लड़की है या लड़का है? जीजू जी लड़की है। क्या हो गया आपको, मैं घर में लड़का थोड़ी बुलाऊंगी। माइंड ना करना, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल के जो हालात है ना वो सही नहीं है। नहीं नहीं जीजू ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप खाने में क्या लेंगे, अंडा या पराठा? नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। मेरी बात सुनो, बस स्टडी कैसी जा रही है? मेरी स्टडी अच्छी जा रही है। आप मुझे खाने का बता देना, आप ही बोल के गए तो मेरी दोस्त आने वाली है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होना। कोई बात नहीं भाई से ऑर्डर कर लेंगे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ। जी जीजू तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जीजू कैसे सवाल आप कर रहे हैं, आपको क्या हो गया? मॉडर्न दौर है ना, जितनी प्यारी आप हो शायद किसी लड़के का दिल आ गया तुम्हारे ऊपर। मेरी दोस्त आने वाली है, मैं उसको जरा मैसेज करके पूछ लूं कब तक आएगी। अरे रुक जाओ ना, वो जब आएगी कॉल कर लेगी, बाद में बात करते। राइडर ने भी देर कर दी, खुद मैंने बाहर से मंगवाया है, इनको मैं कहाँ से बना के खिलाऊंगी। भूख लगी हुई है। मज़े आ, बाद में बनाती हूँ, पहले खुद खा लूँ। अरे वाह भाई से ऑर्डर कर रही है और बताया भी नहीं। जीजू मैंने अपना पहले से ऑर्डर किया हुआ था, मैं आपके लिए बना देती हूँ कुछ खा के। अच्छा जीजू आप तो फास्ट फूड खाते नहीं ना होंगे, तो मैं बस ये खा के फिर आपके लिए बना देती हूँ नाश्ता। हाँ कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं, मैं तो वैसे ही आया था। देखो तो सही आप कैसे खाना बनाती हो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं ना हो रहा था कि आजकल कितनी मॉडर्न लड़की कुकिंग भी जानती होगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता। अच्छा चले आप बनाए खाना, मैं फिर वेट करूँ या इधर रखूँ? जीजू आप वेट कर ले, मैं बना के आपको दे देती हूँ। मैं सोच रहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं हेल्प कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा क्या बनाना है? जीजू आप जाए, मैं बना देती हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा पी लूँ मैं? जी पी लें आप। अच्छा एक बात कहूँ आपसे, वैसे तुम बहुत ये क्या है? देखो अपनी बहन के काम देखो, ये मुझ पर डोरे डाल रही थी, कहती आप ये ऐसा कुछ नहीं था, मैं खाना बनाया क्या किया इसने? ये क्या है कि जीजू आप बहुत प्यारे हैं और आप ये झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर का हरामी इंसान है आपका शोहर। तुम मेरे शोहर के बारे में ऐसे बात कर रही हो? इसका जो दोस्त है वो भी लड़का और ये इसका कैरेक्टर लेस है ये। मैं पहले कहता था ना, तुम्हें यकीन नहीं किया। आप ये झूठ बोल रहे हैं, आपको अपनी बहन पे यकीन नहीं है? ये झूठ बोल रही है, सर झूठ बोल रही है। देखो माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी आपको मेरे पे यकीन नहीं है? इस आदमी के लिए ये आदमी एक नंबर का झूठा है, जिस दिन आपको पता चलेगा आप भी पछताओगी। वो जो बात कर रही है वो सही कह के गई है या नहीं? देखो झूठ बोल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्ची है, उसको नहीं समझ आया, गुस्से में बोल के चली गई है। तुम परेशान हो, मैं उसको मना लूं। मुझे टेंशन हो रही है ना, मेरी बहन नौजवान कैसे बाहर कहाँ जाएगी वो? तुम क्यों परेशान हो रही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मिलके देखते हैं। चलो आओ।